नई सुबह के YouTube चैनल को विजिट करने का शुक्रिया। मजीद मालूमाती मवाद के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.naisubha.org naisubha.org। अस्सलाम वालेकुम। नई सुबह के इंडिपेंडेंट लिविंग प्रोग्राम के ऑडियो लर्निंग ट्यूटोरियल्स के साथ मैं हूं आयशा अहमद। आज के हमारे इस ट्यूटोरियल में हम आपको फ्रेंच फ्राइज कटिंग और फ्राई करना सिखाएंगे। फ्रेंच फ्राइज कटिंग करने के लिए आपको जिन अज्जा की ज़रूरत है उसमें आलू, तेज छुरी और कटिंग बोर्ड। आलुओं को कटिंग करने के लिए सबसे पहले आलुओं को धोकर अच्छी तरह से छील लें, उसके बाद कटिंग बोर्ड को आलू को लंबाई के साइड पर रख दें और इसके बाद इसके दरमियान में छुरी रखकर इसको टू पार्ट्स में कटिंग कर लें। जब ये टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा तो उसका वो वाला हिस्सा जहाँ से आपने इसको कट किया है उस सीधे हिस्से को कटिंग बोर्ड पर रख दीजिए। अब एक एक उंगली का फासले के बराबर, यानी आपकी बिल्कुल लिटिल फिंगर इतनी बारीक फासले के बराबर आपको लंबे लंबे स्लाइसेस में एक एक पीस को कटिंग कर लेना है। ज़्यादातर एक पार्ट में 3 या 4 स्लाइसेस बन सकते हैं। इसके बाद इन स्लाइसेस को मज़ीद शॉर्ट कर लें लंबाई में ही। इसी तरह सेकंड पीस को भी लेकर आपने पहले उसके 3 से 4 लंबाई में स्लाइसेस काट लें और उन लंबाई के स्लाइसेस को मज़ीद फिर लंबाई में ही आधे आधे इंच के हिसाब से कटिंग कर लें। अब इन कटे हुए फ्रेंच फ्राइज़ को नमकीन पानी में डालकर रख दें। इस तरह से बाकी तमाम आलू के कटिंग होने तक आलुओं का कलर काला नहीं पड़ेगा, वरना अगर आप आलुओं को कटिंग करते हुए किसी भी चीज़ में रखते चले जाएं तो आलू जो हैं वो काले पड़ जाएंगे। जब तमाम आलू कटिंग हो जाएं तो फिर आप इनको एक और पानी से वॉश कर लें। अब इसके बाद इसको किसी साफ कपड़े पर या किसी जाल वाले बर्तन में डालकर हल्की हवा में खुश्क कर लें। इसके बाद एक बड़ी कढ़ाई में ऑयल को गर्म करें। जब ऑयल तेज़ गर्म हो जाए तो इसकी आंच दरमियानी कर लें। अब दरमियानी आंच पे आप आलूओं के चिप्स कढ़ाई में डाल दें और इसको फ्राई करें। इसको फ्राई होने तक पकाएं और इसके बाद फिर तमाम फ्राइज को निकाल कर इस पे चाट मसाला छिड़क कर गरम गरम पेश करें। अगर आपको बहुत ज़्यादा क्रिस्पी फ्राइज पसंद हैं और आप ये चाहते हों कि कुछ आलू के फ्राइज कटिंग करके डीप फ्रीज़र में या फ्रीज़र में रखें, तो आपको आलूओं को कटिंग करने के बाद 5 से 6 मिनट के लिए उबलते हुए पानी में डालकर इसको बॉईल करना है और इसके बाद इसको फिल्टर करने के बाद आप किसी साफ़ कपड़े पर फैला दें। जब आलू खुश्क हो जाएं, तो इसके ऊपर कॉर्नफ्लोर या मैदा छिड़क दें और इसको थोड़ी देर खुश्क होने के बाद एयर टाइट पैकेट्स में पैक करके फ्रीज़र में फ्रीज कर लें। जब आपने फ्रेंच फ्राइज तैयार करने हों तो इसको फ्रिज से निकालकर गरम कढ़ाई में इसी अंदाज से, यानी आप उसको डीप फ्रॉस्ट मत कीजिएगा, इसी अंदाज में इसको कढ़ाई में डालें, फ्राई कर लें और निकाल के चाट मसाला और केचप के साथ पेश करें। तो ये था हमारा आज का ट्यूटोरियल। अगले ट्यूटोरियल के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ये मालूमाती मवाद नई सुबह की जानिब से पेश किया गया। अपनी आरा के इजहार के लिए
कमेंट कीजिए या डिस्क्रिप्शन में दिए गए रास्ते के जराए इस्तेमाल कीजिए।